नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला में एलईडी ग्राम लाइट प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। ग्राम स्तर तक महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार के अवसर देने पर जोर। प्रदेश में फर्जी बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर होगी कार्रवाई। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने दिए निर्देश। पीआईडी एक्ट में किए जाएंगे जरूरी संशोधन। उत्तर रेलवे की अपर महाप्रबंधक ने किया देहरादून रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। कहा, दून रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा बेहतर, बढ़ाए जाएंगे प्लेटफॉर्म। पहाड़ी क्षेत्रों के अनाज ने बदली बागेश्वर जिले के कई गांवों की तकदीर। मडुआ, चौलाई, जौ और मक्के से बने बिस्किट से मजबूत हो रही आर्थिक स्थिति। किसानों को भी हो रहा है फायदा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला के थानो ग्राम सभा में एलईडी ग्राम लाइट प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम हर जिले की ग्राम सभा में होंगे। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों को एलईडी उपकरण बनाने के लिए किट का वितरण भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गांव की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही हैं, इसलिए उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर तक महिला स्वयं सहायता समूहों के को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना जरूरी है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगर महिलाएँ स्वावलंबी हो गई तो स्वयं सशक्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं और प्रधानमंत्री जी जब भी हम लोग उनसे मिलते हैं तो उनका महिलाओं पर और युवाओं पर ये विशेष फोकस रहता है कि उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। उसी दिशा में एक प्रयास है जिसकी आज हमने यहाँ पर शुरुआत की है। हम चाहेंगे कि धीरे धीरे ये जो ग्राम लाइट जो ब्रांड है ये एक अपनी एक अलग पहचान बनाए। वहीं ऊर्जा सचिव राधिका झा ने कहा कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि एलईडी ग्राम लाइट प्रशिक्षण को आगे बढ़ाया जाएगा। एलईडी के जो उपकरण हैं, बल्ब हैं, लैम्प्स हैं, ये महिलाओं को हम ट्रेनिंग देंगे, महिलाएं बनाएंगी और इसको फिर हम बायबैक करेंगे। तो हर आइटम पे 15 रुपए से लेकर के 250 रुपए तक हम महिलाओं को उपलब्ध कराएंगे। तो घर बैठे उनको रोजगार मिलेगा और जो एलईडी का प्रोत्साहन भी एक रूप से हम इसमें दे पाएंगे। आज तक हमें ये था कि हम लोग क्या काम करें और आज जो सीएम साहब के थ्रू ये काम मिल रहा है हमको, इससे मेरी महिलाएं सेल्फ डिपेंड होंगी और रोजगार करेंगी। महिलाओं में उत्साह है कि हम सीखें। जिस दिन मैंने पहले बताया था कि ये काम आ रहा है तो वो सब खुश हो गई थी कि हमें कुछ मिल रहा है काम करने की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में ग्राम पंचायत स्तर पर भी महिला स्वयं सहायता समूहों को एलईडी ग्राम लाइट प्रशिक्षण दिया जाएगा, इससे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि आज अपनी क्षमता और कौशल से समाज को नई दिशा देने की जरूरत है। देहरादून में उद्यमियों और अन्य बुद्धिजीवियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने अपने संसाधनों से लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले उद्यमियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि युवाओं को सरकारी रोजगार पर निर्भरता के बजाय स्वावलंबन की ओर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कौशल विकास की दिशा में काम किया जा रहा है। स्वरोजगार की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले उद्यमी भी इस दिशा में सहयोग कर सकते हैं। बैठक में उपस्थित उद्यमियों और बुद्धिजीवियों ने ग्रामीण विकास, गांवों में रोजगार के अवसरों के सृजन, कृषिकरण, बागवानी, जड़ी बूटी, पर्यावरण, आयुर्वेद, ग्रामीण पर्यटन आदि के साथ राज्य के विकास में प्रवासी उत्तराखंड वासियों को भी सहयोगी बनाए जाने आदि सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने इन सुझावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। आर्थिक अपराधों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए इकोनॉमिक ऑफेंस विंग एसटीएफ के अधीन कार्य करेगा और फर्जी बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट यानी पीआईडी एक्ट में जरूरी संशोधन भी किए जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने ये निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पीआईडी एक्ट के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आरबीआई ने जानकारी दी कि राज्य में अवैध रूप से 12 मल्टी स्टेट कॉरपोरेटिव सोसाइटी कार्यरत हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की आर्थिक अपराध करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिए अलग से सेशन जज के कोर्ट अधिसूचित करने के लिए हाईकोर्ट से अनुरोध भी किया जाएगा। बैठक में भ्रामक विज्ञापन और फर्जी टोल फ्री नंबर पर भी रोक लगाने पर चर्चा हुई। उत्तराखंड में 60 स्टार्टअप कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, जिनसे लगभग 400 लोगों को रोजगार मिला है। इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना भी हो गई है, 2 इंक्यूबेटर कार्यरत हैं और जल्द ही स्टार्टअप काउंसिल का गठन किया जाएगा। सचिवालय में हुई इन्वेस्ट इंडिया की बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञों का एक कोर ग्रुप बनाया जाए, राज्य के प्रमुख त्योहारों में भी स्टार्टअप की जानकारी दी जाए और उत्पादों को प्रदर्शित किया जाए। बैठक में बताया गया कि उद्यमिता संस्कृति विकसित करने के लिए स्टार्टअप योजना शुरू की गई है। बताया गया कि इन्वेस्ट इंडिया उत्तराखंड में 2 से 27 अप्रैल तक सभी जिलों में एक दिन का वर्कशॉप करेगा। प्रमुख शिक्षण संस्थानों में बूट कैंप भी किया जाएगा। इसके तहत विद्यार्थियों से उद्यम के क्षेत्र में 30-40 नए विचारों को शामिल किया जाएगा। उत्तर रेलवे की अपर महाप्रबंधक मंजू गुप्ता ने आज देहरादून रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि देहरादून रेलवे स्टेशन को बेहतर बनाने के लिए उत्तर रेलवे कदम उठा रहा है। उन्होंने बताया कि दून रेलवे स्टेशन के पूरे यार्ड में काम कराया जाएगा, जिसमें प्लेटफॉर्म बढ़ेंगे और यार्ड की लेंथ भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ट्रेन के संचालन को प्रभावित किए बिना किस तरह से यार्ड में कार्य को आगे बढ़ाया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। हमारी डिटेल प्लानिंग ऑलरेडी पहले हो चुकी है, तो यार्ड में बिकॉज यहाँ पर अभी हमारे पर था कि 13 कोच की ट्रेन आ सकती है, इसको हमें 18 कोच की ट्रेन करनी है, तो यार्ड में बहुत बड़ा काम होना है और जो भी यहाँ की अभी कमियाँ हैं उसको सारा को दूर करना है। और जो मेरे पास इस समय जैसे फैसिलिटीज़ हैं, अभी प्लेटफॉर्म की लेंथ कम है, प्लेटफॉर्म कम है, तो वो सब बढ़ाने हैं, तो उसको कैसे काम किया जाए और क्या प्रायोरिटी पे काम किया जाए ये हम देख रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के अनाज मंडुआ चौलाई जौ और मक्के ने बागेश्वर जिले की सरयू घाटी में बसे गांव की तकदीर बदल दी है। एक तरफ जहां पलायन इस पहाड़ी राज्य की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है, वहीं बागेश्वर के 24 गांव के लोगों ने मंडुआ चौलाई जौ और मक्के को आजीविका का मजबूत जरिया बना लिया है। देखते हैं यह खास रिपोर्ट। हिलांस बिस्किट माँ चिल्ठा आजीविका स्वायत्त सहकारिता, ये वो नाम है जिसने बागेश्वर जिले की सरयू घाटी को नई पहचान दी है। दरअसल कपकोट तहसील की सरयू घाटी के किसानों से संस्था से जुड़े लोग मंडुआ चौलाई और जौ खरीदकर बाहरी क्षेत्रों में बेचा करते थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की सलाह और मार्गदर्शन पर 28 जनवरी 2017 को मुनार गांव में हिलांस बिस्किट माँ चिल्ठा आजीविका स्वायत्त सहकारिता के नाम से यहां बिस्किट बनाने की फैक्ट्री खुल गई। अब इस संस्था से आंगनबाड़ी केंद्रों में हर महीने 2000 से ज़्यादा बिस्किट सप्लाई होते हैं। इसके अलावा बागेश्वर कौसानी अल्मोड़ा में भी बिस्किटों की सप्लाई की जाती है। हमारे यहाँ एक आजीविका का जो ग्रुप है उनके माध्यम से बिस्किट की फैक्ट्री लगाई हुई है, जिसमें मडुए और चौलाई के बिस्किट बनते हैं। तो हमारे नॉलेज में ये बात लाएगी, तो चूँकि मंडुआ यहाँ का लोकल उत्पाद है और वो बहुत ही आयरन रिच होता है, बहुत ही आयरन उसमें पाया जाता है, तो हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि हमारा जो THR हम वितरित करते हैं आंगनबाड़ी में गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को और बच्चों को, तो क्यों ना हम इसमें उसको शामिल करें। प्रोजेक्ट ने इसको चलाने के लिए 2012 में 2 लाख रुपए का उस सहकारिता को एक सपोर्ट किया था ताकि आपकी रोजी रोटी आप आगे बढ़ाएं। उसको देखते हुए सहकारिता ने 2 से 3 लाख का प्रॉफिट इन 3-4 सालों में करके उस फंड का उपयोग करके आज बिस्कुट अपने क्षेत्र में अच्छी तरह उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और एक क्षेत्र के लिए एक आय का स्रोत डेवलप हुआ है।
मशीनें लगी और बिस्किट बनने शुरू हो गए और इसी के साथ बदलने लगी ग्रामीणों की किस्मत। जो ग्रामीण चौलाई पहले 25 रुपये प्रति किलो बेचते थे, अब उन्हें 50 रुपये मिल रहे हैं। मडवा और मक्के की कीमत भी अब उन्हें अच्छी मिलने लगी है। शुद्ध पर्वतीय अनाज से बने ये बिस्किट डायबिटीज के लिए भी फायदेमंद हैं। बाजार में इनकी काफ़ी डिमांड होने पर अब इस काम के लिए गांव में 84 समूह भी इससे जुड़े हैं। जो हमारे यहाँ पे मडवा, चौलाई, मक्का, रामदाना इस चीज़ के जो बिस्कुट बनाए जा रहे हैं, उन चीज़ों को हम अभी वर्तमान में 46 आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई कर रहे हैं बागेश्वर में। इसके अलावा हम अल्मोड़ा, कौसानी, बागेश्वर में सेंटरों को भी सप्लाई कर रहे हैं। हमारा ये हिलांस का बेकरी है और हम जो है कि मंडवा, चौलाई जो आदि गाँव से लेके इकट्ठा करते हैं और इसके बाद फिर ग्राहक में पीसते हैं इसको। उसके बाद फिर यहाँ के पीस के यहाँ लाते हैं, उसके बाद क्रीम बनाते हैं और उसके बाद बेलते हैं उसको। तब तक तो हमारे गांव घरों में जो भी उत्पाद होता था वो उसके औने पौने दाम हमको वैसे मार्केट में बेचना पड़ता था। जब से आजीविका परियोजना आई है तब से हमारा कोई भी माल भी डैमेज नहीं हो रहा है। जो भी माल हम उत्पाद हम दे रहे, चाहे कोई भी हो, झुमरा, मडुआ, गुल्ला पल्ला, जो भी उत्पाद हो, तो हम सीधे फेडरेशन में देते हैं, फेडरेशन हमको अच्छे दाम दे। इस संस्था की पहल से गाँव से पलायन रुका है और इसके टर्नओवर में भी बढ़ोतरी हुई है। मडवा, चौलाई, जौ और मक्के से बिस्किट बनने शुरू हुए तो दूलम से झूनी के 24 गांवों के करीब 924 ग्रामीण लाभान्वित होने लगे। यहां के किसानों को अब उनकी फसल और सब्जियों का सही दाम मिल पा रहा है और लोगों को रोजगार। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन केंद्र, देहरादून। राज्यपाल डॉक्टर कृष्ण कांत पॉल का कहना है कि बेटियों और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने और उन्हें शिक्षित करने में सभी को आगे आना चाहिए। गीत एवं नाटक प्रभाग, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से देहरादून में आयोजित हम हैं बेटियां कार्यक्रम में राज्यपाल ने ये बात कही। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और बेटियों को समानता का दर्जा दिलाने और गिरते लिंगानुपात के प्रति जागरूकता लाना है। इस अवसर पर राज्यपाल ने महर्षि विद्या मंदिर में हुई भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिए। साथ ही चार ऐसी महिलाओं को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने बिना किसी मदद के मुकाम हासिल किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं के प्रति संकीर्ण मानसिकता को बदलने के लिए जागरूकता की जरूरत है। एक ये बहुत ही अच्छी एक प्रकार से सोशल रेवोल्यूशन लाने का प्रोग्राम है जो प्रधानमंत्री जी ने प्रोग्राम दिया है और जिसके तहत काम हो रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस मैसेज को कॉमन मैन तक कैसे आसानी से पहुंचाया जाए, बड़े रोचक तरीके से पहुंचाया जाए, लोगों में अवेयरनेस बनाई जाए ताकि एक किस्म की जो कुप्रथा है उसको किसी तरह से रोका जा सके और विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी जोर दिया जा सके। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि बेटियों के प्रति मानसिकता को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बेटियों को समान अवसर और संसाधन दिए जाने चाहिए। विचारधारा है, तो पुरानी विचारधारा इसको खत्म करके लोगों में जागरूकता लाकर और इसका एक बात मतलब हथियार वास्तव में जो स्लोगन है प्रधानमंत्री जी का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये शिक्षा इसका सबसे बड़ा हथियार इसमें है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।